सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको नैरो पैंट का पार्ट टू बताऊंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। एक सूत ये इधर हमारा कम हो गया, घुटने में हमने 18 रखा था, एक सूत इधर से कम हो गया। अब ये हमारा घुटना कितना तैयार आएगा, ये देखिए, ये हमारा 9.5 यानी 17.5 इंच हमारा ये घुटना आ गया। इन्होंने ये 16 घुटना लिखा हुआ है, ये 16 नहीं होके ये 17.5 इंच हमारा घुटना, ये देखिए 17.5 इंच, 9.5 के करीब 17.5 इंच ये घुटना हमारा आएगा। यही हमारा एक्चुअल घुटना है। फार्मूले के हिसाब से हम निशान जरूर लगाएंगे, लेकिन जो सेफ पट्टी हमें सेफ बना के देगी, एक्चुअल घुटना वही होता है। हम सेफ को टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। ये हमारा घुटना हो गया। अब देखिए, अगर मैं इसको 16 घुटना रख दूं तो हमें सेफ पट्टी ऊपर नीचे करके, और ये निशान तो हम लगा लेंगे लेकिन हमारी थाई नहीं आएगी। अब पहले मैं थाई का लगा लेता हूं। इसकी थाई है 22, ये हमारी 2 इंच नीचे, इस निशान से 2 इंच नीचे हमारी थाई होती है, ये 2 इंच पे ये हमारी थाई है। अब इसको पूरा निशान लगा लेते हैं। ये बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे हम, जैसे ये लगाया वैसे ही ये हमारी थाई हो गई। अब ये देखिए, ये हमारी कितनी थाई आ गई, पूरी 22 इंच थाई आ गई, पूरा 11 इंच है ये। ये 22 इंच हमारी, इस फार्मूले से कटिंग करेंगे तो 22 इंच थाई हमारी कंप्लीट तैयार आ गई है। इसलिए मैं कभी भी अपने पेंट के फार्मूले में थाई को अहमियत देता ही नहीं, क्योंकि हमारे फार्मूले ऐसे हैं कि आप थाई का नाप भी लेंगे तो भी थाई उतनी आएगी, नहीं लेंगे तो भी उतनी आएगी। इसलिए मैं सिर्फ पेंट का 4 नाप सिर्फ मानता हूं, घुटने का भी मैं साइज कभी नहीं लेता और थाई का भी साइज कभी नहीं लेता। हमारे फार्मूले में एक्यूरेट टाइट फिटिंग में टाइट थाई आएगी, मीडियम में मीडियम थाई आएगी, लूज फिटिंग में लूज थाई आएगी। सिर्फ पैंट का नाप मैं मानता हूं लंबाई, कमर, हिप और मोहरी, सिर्फ इसको मैं कंप्लीट नाप मानता हूं। ना तो मैं थाई को अहमियत देता हूं, ना मैं घुटने के साइज को अहमियत देता हूं। हम जिस फॉर्मेट पे, टाइट फॉर्मेट पे काटेंगे तो एक्यूरेट थाई आएगी, मीडियम फॉर्मेट पे काटेंगे तो भी एक्यूरेट थाई आएगी, और लूज फिटिंग फॉर्मेट पे काटेंगे तो उतना ही हमारी थाई लूज हो जाएगी। तो इसलिए थाई नापने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर का काम करते हैं। ये थाई आ गई। अब मैं इसको आपको समझाता हूं। अगर मैं कस्टमर ये कहे मुझे 16 ही घुटना चाहिए, तो ये देखिए कितनी थाई में भी थाई भी कम हो जाएगी और ये शेप भी अलग हो जाएगी। अब मैं इसको 16 पे करके दिखाता हूं। जो उन्होंने, अब जिन्होंने ये मेजरमेंट भेजा वो ध्यान से देख लीजिए, ये 16 आपके हिसाब से मैं घुटने का निशान दे रहा हूं। अब आप देखिए इसकी शेप क्या शेप आती है। ये 16 का निशान मैंने ये लगा दिया है, ये 16 हो गया घुटना, 4 इंच इधर सेंटर से 4 इंच इधर, ये 16 हो गया। अब इसको इसी शेप पट्टी से, इसी साइड से, अब इसको मैं इस निशान से इस पे मिलाता हूं 16 पे। ये देखिए 16 के हिसाब से मैं निशान लगा रहा हूं, ये मैंने 16 के हिसाब से, पहले घुटने तक हमें निशान लगाना पड़ेगा, ऊपर तक तो लगा नहीं सकते, तो कम हो जाएगा बहुत, तो पहले हमें घुटने तक निशान लगाना है। ये देखिए, ये मैंने 16 के हिसाब से घुटने का निशान लगा लिया। अब इसकी थाई देखना आप यहां से कितनी आएगी, अब इसके हिसाब से लगा लिया तो अब ये देखिए इस निशान को हमने मिलाना है, ये यहां से इस निशान को हम ये ऐसे मिलाते हैं, ये हमने मिला दिया, और ऐसे ही हम इसको मिलाएंगे, ये मिला दिया, ये हमने मिला दिया। अब देखना इसकी ये थाई कितनी कम होगी, ये होगी इसकी थाई 21.25 इंच थाई होगी, यानी 0.25 इंच थाई इसकी कम होगी। ये देखिए, ये 10.5 एक सूत हो गया है,
साढ़े दस एक सूत, यानी साढ़े दस इक्कीस, एक सूत और ज्यादा सवा इक्कीस, ये सवा इक्कीस पौना स्थाई इसकी कम होगी घुटना सोलह रखने से, इसलिए ये जो है यहां से भी टाइट होगी और घुटना भी टाइट होगा। लेकिन आपको अगर सोलह ही घुटना रखना है तो इसकी थाई 22 नहीं सवा 21 आएगी, क्योंकि इस शेप को हम नकार नहीं सकते, इसके बिना हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, ये शेप पट्टी हमें यूज करनी पड़ेगी। हम सीधे निशान तो ये लगा नहीं सकते, सीधे लगाएंगे तो हो सकता है इसकी 22 थाई आ जाए, लेकिन ये सीधे निशान कभी नहीं चलते पैंट में। अब हम ये देख लीजिए 16 घुटना रखने के बाद सवा 21 इंच की थाई आई है, लेकिन इसका घुटना एक्चुअल में 17.5 बनता है, तो 22 इंच की थाई कंप्लीट आ जाएगी। अब ये तो आपने तय करना है कि हमने 16 घुटना रखना है तो थाई इतनी मिलेगी, अगर इसका 17.5 घुटना रखना है तो आपको जो थाई आपने मेजरमेंट लिया है वो थाई आपको मिलेगी। अब ये इसका ऊपर का ले लेते हैं। अब ये हल्का सा इस साइड से हम, क्योंकि हम सामना काट रहे हैं, ये ऊपर की शेप हमने ये हल्की सी ये शेप देनी है, ज्यादा शेप हमने नहीं देनी है, नहीं तो हमारा यहां से सामना फूल जाएगा, यहां से इतनी शेप रखनी है। अब इसकी कमर है 33 इंच, अब 33 का 1/4 हो गया 8.25, और 3 सूत इधर से दबेगा, 3 सूत इधर से दबेगा, 0.25 ये हो गया, 8.25 और 0.25 9 इंच हो गया, तो ये हम टोटल 9 इंच पे ये निशान लगाएंगे और ये निशान और ये निशान हम मिला देंगे। ये हमारी फ्लाई का निशान हो गया और यहां से हम ये 3 सूत के करीब हम सामना डाउन करेंगे। हमने सामना इसी शेप में डाउन करना है, इसी शेप में यहां से हमारा सामना उठना चाहिए सीधा। बहुत से लोग ऐसे सीधा डाउन कर देते हैं, ऐसे कभी सीधा डाउन नहीं करना चाहिए, इसी शेप से आप डाउन करेंगे तो आपका जो ओवर लूप होता है जिसमें हुक लगते हैं वो एकदम एक्यूरेट आता है। ये हमने सामना डाउन कर दिया है और ये हमारा फाग हो गया। ये हमारी नैरो पैंट का फ्रंट के निशान हो गए हैं, ये 16 के हिसाब से भी मैंने आपको निशान लगा के बता दिए, और जो इसका एक्चुअल घुटना होना चाहिए 17.5 उसके हिसाब से भी मैंने आपको निशान लगा के बता दिए। अब इसकी हम बैक काटेंगे। अब बैक कैसे काटेंगे, ये देखिए, ये हम 17.5 के हिसाब से निशान लगाएंगे, आप 16 के हिसाब से भी निशान लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 16 के हिसाब से हमने ये हमारा घुटना, ये हमारी टाइट बिल्कुल फंस जाएगी, फिटिंग टाइट फिटिंग रहेगी, तो ये हम 16 को ये कैंसिल कर देते हैं और हम जो हमारा फार्मूला है उसके हिसाब से हम आ जाते हैं। ये हमारा 17.5 का फार्मूला है। अब हम 17.5 से ये 1.5 इंच ये हमारा निशान है, ये 1.5 इंच यहां से और 1.5 इंच यहां से हम बैक जो बड़ी काटते हैं, और ये यहां से हम इस निशान से 0.5 इंच नीचे, ये इस निशान से 0.5 इंच नीचे हम ये निशान लगाएंगे, और ये 2.5 इंच क्योंकि टाइट फिटिंग है इसलिए हम टाइट फिटिंग में 2.5 इंच लेते हैं, मीडियम फिटिंग में 3 इंच लेते हैं और लूज फिटिंग में 3.5 इंच लेते हैं, तो ये 2.5 इंच हमने टाइट फिटिंग के हिसाब से ही हमने ले लिया। अब देखिए इस फट्टी को इस साइड से, ये बैक की साइड है, ये फ्रंट की साइड है, तो ये हम ये बैक की साइड से इस पे निशान लगाएंगे। ये देखिए हमारा निशान कहाँ आता है, ये देखिए एक्यूरेट हमारा ये निशान पे आ गया, 1.5 इंच पे ये हो गया। अगर ये लूज फिटिंग होती तो ये हमारा घुटना 1.5 इंच की बजाय घुटना बढ़ जाता, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे शेप 3 इंच पर जाती तो यहाँ से अपने आप शेप घुटने को बढ़ा देती, लेकिन ये टाइट फिटिंग की है इसलिए एक्यूरेट 1.5 इंच पे निशान पे ये निशान हमारा आया, यहाँ से भी यहाँ भी पूरा 2.5 इंच पे आया। ये जो साइड है ये बैक के लिए होती है। अब हम इसकी बैक ऊपर से उठाएंगे, ये जो हमारा सीधा निशान है इससे हम
एक इंच ऊपर लेके जाएंगे, एक इंच हमने ऊपर लिया, डाउन वाले निशान से नहीं, सीधे वाले निशान से एक इंच ऊपर हमने बैक ले ली और इसको हम यहां से मिला देते हैं, सीधा निशान लगाएंगे ये बिल्कुल। ये हमारा हमारा बैक का निशान हो गया। अब हम जो सीट का निशान लगाएंगे, पहले हम ये लगा लेते हैं। अब कमर है इसकी 33, तो ये 8.25 और एक ये निशान हम पहले लगा देते हैं बैक का। इधर भी इसी शेप से लगाएंगे हम, ये हल्का सा ये उठाएंगे, ये देखिए ये हमारा सामने का निशान है, ये हमारा बैक का निशान है। यहां से हमने देखना है 8.25 और ये 3 सूत हमारी बैक भी दबेगी इधर से, तो 8.25 8.5 से 1 सूत ज्यादा, ये तो हो गया हमारा फ्रंट का। और 1 इंच की हमने डट डालनी है, जो पीछे बैक पॉकेट लगती है वहां पे डट डलती है, वो 1 इंच की हमारी ये डट हो गई है। अब हम क्या करते हैं सीट का निशान लगाने के लिए, ये जो हमने उठाया है तो मीडियम फिटिंग में हम क्या करते हैं कि यहां से हम टेपर करते हैं, नीचे उतार लेते हैं इसको, जिसको ऐसे नीचे उतार लेते हैं। लेकिन ये टाइट फिटिंग की पैंट है, लूज फिटिंग में ऐसे हम नीचे उतारते हैं, टाइट फिटिंग में और हैवी साइज की फिटिंग में जिसकी बैक 1.5 इंच / 2 इंच तक ऊपर उठती है, तो उसमें हम इस निशान से ये बिल्कुल सीधा रखेंगे, ऐसे टेपर नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सीधा रखेंगे और ये हम सीट का निशान ये हम लगा देंगे। ये हमारा सीट का निशान हो गया और ये हमारी बैक का निशान हो गया। तो दोस्तों ये थी नैरो पैंट की कटिंग, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी और ये जिनका मेजरमेंट है उनको तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गई होगी।